पठान को रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही दिन ही बाकी है, साथ में एक बैड न्यूज भी आ चुका है, साथ में एक गुड न्यूज भी आ चुका है। मैं सोचता हूँ पहले बैड न्यूज सुना दो, फिर बात गुड न्यूज सुन के और एंजॉय भी करेंगे। बैड न्यूज ये, सेंसर बोर्ड ने पठान को भाई क्रॉस, कोई भी पिक्चर रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाता है, वो वेरीफाई करता है यूए सर्टिफिकेट या फिर ए सर्टिफिकेट, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पठान के लिए बहुत बैड न्यूज ये है, सेंसर बोर्ड के पास जब फिल्म गया देखने के बाद, उन्होंने पठान में से बेशरम संग और उनमें से कुछ सीन है जिसको देख के सेंसर बोर्ड ने बोला इस सीन हटाना पड़ेगा। इनके सॉन्ग तो हटा सकता है लेकिन फिल्म के अंदर कुछ सीन हटाने के लिए जो वादे किए गए वो इनके हटा दिया गया, तो इंपॉर्टेंट सीन भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी खतरा हो सकता है पठान के लिए। सिर्फ वल्गर सीन ही नहीं, इसके अंदर कुछ एक्शन सीन ऐसा होता है जिसमें ब्लड ज्यादा दिखाया जाता है, उसमें भी भाई ए सर्टिफिकेट मिल सकता है। इनकेस ऐसा हो गया पठान के लिए तो बहुत हालत खराब हो सकता है पठान के लिए, क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं, बस कुछ ही दिन बाकी है। इसमें से इनकेस कुछ सीन काट करना पड़ा तो फिल्म के लिए गलत असर होगा, इनकेस दोबारा शूट करने जाए तो भाई इतना टाइम है भी नहीं। अभी जितना भी टाइम हो उतना टाइम के अंदर भाई सेंसर बोर्ड से ये आपका जो प्रोड्यूसर है वो जाके ठीक से मसला हल कर निकाले यार, इसे यूए सर्टिफिकेट मिला, ये मिला तो बहुत असर होगा भाई इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। वही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके बेल्जियम, जर्मनी और बैरिन, इन तीन स्टेट में ना एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, और एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने के साथ साथ हाउसफुल हो चुका है पहला दिन। मतलब सोचो यार पठान का क्रेज ना सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में चल रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है, जब से शाहरुख खान को टॉप 50 एक्टर के अंदर नाम आ चुका है, ये ना बहुत सारे पब्लिक के अंदर एक इच्छुता अंदर से कि भाई ये बंदे का पिक्चर देखना है, और अपकमिंग फिल्म पठान आने वाला है, वही पठान टॉप 50 वर्ल्ड के अंदर टॉप 50 फिल्म का नाम शामिल कर चुका है। टॉप 50 में से 35 नंबर में पठान फिल्म है, तो भाई ऐसे से पब्लिक है जो मूवी लवर है उनके अंदर और भी ज्यादा एक्साइट है। और इस टाइम हर जगह पठान चर्चा में चल रहा है, चाहे गलत हो या फिर सही हो, लेकिन चर्चा हो रहा है, बहुत पब्लिसिटी चल रहा है पठान में, तो पब्लिक के अंदर जो एक्साइटेड लेवल है ना और भी ज्यादा बढ़ गया यार पठान के लिए। कब पठान आएगा बस कुछ ही टाइम बाकी है, लेकिन भाई बहुत धमाका होने वाला है। इंडिया में क्या होगा तो बात की बात है भाई, इंडिया से बाहर शाहरुख खान का फैन फॉलोइंग जो गल्फ कंट्री है, लेकिन अभी पूरा दुनिया में हो चुका है, तो भाई आप कितना एक्साइटेड हो मूवी देखने के लिए पठान देखने के लिए, कमेंट करके बोलो यार। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, मूवी रिव्यू में मिलूंगा यार, और कुछ नया अपडेट रहा तो जरूर आ जाऊंगा आपके सामने।